नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव सेशन में। मैं आपके साथ शिवानी झा और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ई विद्या के चैनल नंबर 10 पर। आपको बता दें कि आज हम 10वीं के छात्रों के लिए एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से हम अपनी रियल लाइफ में उसे यूज़ कर सकते हैं, आज की एक्सपर्ट जो हैं वो हमें यही समझाने वाली हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में भी ये टॉपिक आपको काफ़ी यूज़ होगा। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो सबसे पहले तो आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8800440559, या फिर आप हमें सीधा ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in। तो सबसे पहले हम अपने आज के एक्सपर्ट की चलिए आपसे पहले मिलवा देते हैं और उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ चुकी हैं सविता ग्राख मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सविता मैम। जी नमस्कार, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। तो दर्शकों, आपको बता दें कि सविता मैम जो हैं ये कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले 3 सेशंस हो चुके हैं जो सविता मैम ने लिए हैं आप लोगों के, और उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना। लेकिन आज जो है सविता मैम हमें बताएंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम इस पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि हम अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स के थ्रू उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैम, दोबारा से आपका स्वागत है, और अब आप बताइए कि क्या क्या टॉपिक आप आज कवर करेंगे और किस मेन टॉपिक्स जो हैं बच्चों को आप समझाना चाहेंगी। जी बिल्कुल शिवानी जी, तो जी, जैसे कि आपने बताया कि ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री के 3 सेशंस हो चुके हैं, और आज हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मींस रियल लाइफ में कहां कहां पर हमारे स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हैं, फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ एनी टावर, फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग, और इसी तरह से कहाँ पर वो वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए कैलकुलेशंस कर सकते हैं ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द सेम। फॉर द सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, I need to go towards my next slide, but that is somehow not proceeding. Yes, it is. तो दर्शकों देखिए, जब तक के लिए थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एनसीईआरटी के ऑफिशियल चैनल यानी एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही वहाँ पर आप वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जा करके हमें सीधा वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चाहे आपके पास कोई क्वेरी हो, चाहे कोई डाउट हो, तो आप हमें सीधा कॉल भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in पर। साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स भी शेड्यूल किए जाते हैं। तो चलिए फिर मैम जो हैं, अब सीधा उन्हीं से जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस पर क्या बोलेंगे। मैं कृपया सविता मैम से कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम, आपकी तरफ से म्यूट हो रखा है। जी बिल्कुल जी, तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से हमें डिस्कस करना है एंगल ऑफ एलिवेशन को, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हमारे व्यूअर्स इन दोनों टॉपिक्स के बारे में जान जाते हैं, डेफिनेटली वो बहुत ही आसानी से इजीली ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर पाएंगे फॉर सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस। एंगल ऑफ एलिवेशंस की जब आप बात करेंगे, सो इफ दिस इज द ऑब्जर्वर्स आई एंड दिस इज माय आई लेवल, तो आई लेवल पर जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इन आर इमेज दैट आई लेवल पर
दिस इज नॉन एज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, एनी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्टिंग हियर, अगर व्यूअर अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ देखता है तो आई लेवल पर जो एंगल फ्रेम होता है बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दी लाइन ऑफ साइट, तो वो जो एंगल है दैट इज नॉन एज दी एंगल ऑफ एलिवेशन एज वी हैव डिस्कस्ड हियर. सो लेट अस सी दी डेफिनेशन. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज अबव दी ऑब्जर्वर्स आई, देन दी एंगल बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दी ऑब्जर्वर्स आई एंड दी लाइन ज्वाइनिंग दी ऑब्जेक्ट टू द आई ऑफ द व्यूअर इज कॉल्ड दी एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक इसी तरह से अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे व्यूअर्स को दे सकती हूँ. जैसे कोई भी बच्चा छत पर खड़ा है और जब वो स्टूडेंट छत पे खड़ा हुआ है तो उस समय वहां से वो काइट पतंग उड़ा रहा है, यानी कि जहां उसका आई लेवल है उससे और ऊपर जब वो देख रहा है देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज फ्रेम्ड बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दी लाइन ऑफ साइट. उस बच्चे का हॉरिजॉन्टल लाइन और काइट को देखते हुए जो एंगल जो लाइन ऑफ साइट फ्रेम हो रही है उन दोनों के बीच में जो एंगल फ्रेम होता है दैट इज नॉन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंड इफ वी टॉक अबाउट द एंगल ऑफ डिप्रेशन देन डियर व्यूअर्स अबाउट द एंगल ऑफ डिप्रेशन यू कैन सिंपली से दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स इफ द एंगल इज फ्रेम्ड बिटवीन द आई लेवल ऑफ द चाइल्ड एंड एनी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट उस बच्चे के आई लेवल से नीचे बन रहा है. यानी सेम हम प्रोसीजर मानते हैं कि कोई भी बच्चा छत पर खड़े है और छत पर जब वो बच्चा खड़ा हो रहा है तो उस समय क्या हो रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट वो बच्चे ने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जेक्ट अभी कोई बॉल है, जो बॉल उस बच्चे से नीचे गिर गई है और वो बॉल के नीचे गिरने की वजह से अब वो बच्चा जब छत से आगे की तरफ आकर अपनी सेम बॉल को देखने की कोशिश कर रहा है तो क्या हैपन होगा? एक्चुअली अभी हैपन होगा कि उस बच्चे की जो बॉल को ओके वो ओके नीचे ओके देख रहा है, यानी इस बार जो एंगल फ्रेम हो रहा है दैट हैज बीन फ्रेम्ड बिटवीन दी एंगल द लाइन ऑफ साइट एंड दी हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर मैं बात करती हूँ दिस इज माई आई लेवल और यहाँ से नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा दिस टाइम दैट विल बी नॉन एज दी एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो यहाँ पर चलिए मैम से, सविता मैम से एक मैं प्रश्न करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में भी ये सवाल रहता है कि मैम स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए जो टी रेशियोज़ की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, और क्या हम आज के सेशन में ये यूज़ भी करने वाले हैं? तो ज़रा सा आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए. जी बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा दैट इज कि अगर जी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है तो व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर देयर. एग्जैक्टली डेफिनेटली जब भी ऐसा होगा आपका कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, पहले हमने वो डिस्कस किया, एंड मोर ओवर द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल डेफिनेटली इस टॉपिक में यूज होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. इन पांचों एंगल्स के लिए अगर हम डिफरेंट टी रेशियोज की बात करते हैं, ऑल द 6 टी रेशियोज जिनकी वैल्यूज हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी सीख चुके हैं इन देयर प्रीवियस सेशंस में कि कैसे कैलकुलेट हो सकती हैं, तो लेट अस डिस्कस अबाउट कि किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की इन वैल्यूज की हेल्प से वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे व्यूअर्स ने ये सीखा है, जाना है दैट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अरे थीटा फॉर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज 1. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, सो डेफिनेटली साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू √3/2. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ सिकेंट 30 डिग्री, सो आर व्यूअर्स कैन व्यू इट फ्रॉम हियर, और बहुत ही अच्छे से हमने ये कैलकुलेशन सीखी है इन आर प्रीवियस सेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री दैट दिस वैल्यू विल बी 2/√3. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस. और जैसा कि आपने बिगनिंग में ही मुझसे पूछा था कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल एंड बाय यूजिंग द टी रेशियोज. सो लेट अस सी, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. From the toe of a heel, the angle of depression
ऑफ टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। डियर व्यूअर्स, इट इज किलोमीटर स्टोन्स। जैसे आप बहुत बार किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जा रहे हैं तो किलोमीटर स्टोन्स लगे होते हैं, दैट द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज 16 किलोमीटर अवे। आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपके सामने लिखा होता है 15 किलोमीटर अवे। तो मीन्स यहाँ पर जो कॉन्सिक्यूटिव स्टोन्स हैं आप देख सकते हैं इन द इमेज, दैट पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, इन दोनों ही पॉइंट्स पर दो स्टोन्स हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर, बिकॉज दीज आर किलोमीटर स्टोन्स। ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे व्यूअर्स बहुत ध्यान से समझेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, तो दिस इज द टॉप ऑफ द हिल पॉइंट ए, और टॉप ऑफ द हिल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों किलोमीटर स्टोन्स को। सो इफ आई एम ऑब्जर्विंग द स्टोन पी, यू कैन सी इट क्लियरली दैट द एंगल हेयर इज फ्रेम्ड 45 डिग्री। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द किलोमीटर स्टोन विच इज एट पॉइंट क्यू, तो यहाँ जो एंगल फ्रेम हो रहा है दैट इज 30 डिग्री। डियर व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि ये किस तरह के एंगल्स हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में मेंशन है दैट दीज टू आर एंगल ऑफ डिप्रेशन विच कैन बी क्लियरली सीन हियर। मोर ओवर आप सोच भी सकते हैं कि जब आप टॉप ऑफ द हील से नीचे की तरफ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दैट केस एंगल ऑफ डिप्रेशन ही फ्रेम होंगे। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहती हूँ, हाउ टू सॉल्व दैट। आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में अगर हमें टी रेशियोज का यूज करना है और क्या कैलकुलेट करना है वो भी आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको जरूरत होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। सो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल ए बी पी, दिस इज क्लियरली अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली ट्राइंगल ए बी क्यू, इफ वी टॉक अबाउट दिस, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखते हैं कि हमें पूछा क्या गया है, क्या कैलकुलेट करना है। द क्वेश्चन इज आस्किंग अस फाइंड द हाइट ऑफ द हील। सो हाइट ऑफ द हील दैट मीन्स आपको वैल्यू निकालनी है ऑफ ए बी विच हैज बीन सपोज्ड एट एच। सो लेट अस सपोज दैट द हाइट ऑफ हील बी एच किलोमीटर, बिकॉज दीज आर किलोमीटर स्टोन, सो ऑल द यूनिट्स विल बी देयर इन किलोमीटर्स। नाउ इफ यू थिंक अबाउट द ट्राइंगल ए बी पी, आपको ऑब्जर्व करना है दैट एट पॉइंट पी। यहाँ पर सविता मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एच अपॉन एक्स तो यहाँ पर इक्वल्स, मैं सविता मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार अपना माइक चेक कर लें मैम थोड़ा सा, या फिर नेटवर्क कनेक्शन है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ब्रेक होके आ रही है। जी जी अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी मैम ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस फर्दर दैट एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू व्हाट। डेफिनेटली एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट 45 डिग्री। हमारे व्यूअर्स जानते हैं दैट किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस इज टेंजेंट थीटा। इन द फर्स्ट ट्राइंगल आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ए बी पी एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट 45 डिग्री, ड्यू टू विच वी हैव एच इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स आर अदर ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल ए बी क्यू, एंड फ्रॉम हियर अगेन द परपेंडिकुलर विच इज योर ए बी एंड द बेस विच इज एक्स प्लस वन, द रेशियो बिटवीन दीज टू इक्वल्स टू टेंजेंट 30। दैट मीन्स एच अपॉन एक्स प्लस वन, हमारे व्यूअर्स जानते हैं दैट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 इज 1/√3, एंड ऑन सॉल्विंग दिस यू आर गेटिंग दैट √3 × h इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। जैसा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू एक्स, सो सिंपली इन दिस सेकेंड इक्वेशन वी विल पुट द वैल्यू एच टू बी एक्स, एंड वी आर एबल टू से दैट √3x
इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ड्यू टू विच रूट थ्री माइनस वन इंटू एक्स इक्वल्स टू वन, एंड फ्रॉम हियर यू आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन एट द डिनोमिनेटर. यू कैन रेशनलाइज इट, बट बिफोर दैट लेट अस सी कि हमें वैल्यू किस चीज की कैलकुलेट करनी थी. दे वर आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ एच एंड वी जस्ट हैव डिस्कस्ड दैट एच इज इक्वल टू एक्स. सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ एच एंड वी आर एबल टू से दैट द वैल्यू ऑफ एच इज हियर रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय टू. एज आर व्यूअर्स नो that the identity a minus b into a plus b can be applied here, due to which they are able to get a square minus b square at the denominator, which is giving them 3 minus 1 and which is equals to 2. That means the value of h equals to root 3 plus 1 whole divided by 2. Dear viewers, आपको ध्यान रखना है जब भी आपको given होगा आपके question में. Listen it very carefully. This is very important concept that the value of root 3 is 1.73 or 1.732. अगर ऐसे कोई भी value आपको given है तो in that case definitely आपको उस value का use करना है. Okay? But sometimes अगर value given नहीं है so it is totally upon you. आपको value अगर use नहीं भी करते और अपना answer यहीं पर ही drop कर देते हैं that the height of the heel is half of root 3 plus 1, even then your question will be treated as a correct question. Now let us discuss the next question and let us see what this question is saying. The angle of elevation of the top of the tower. Now they are discussing in this question about the angle of elevation and of what? Of the top of a tower from two points on the ground. And these two points can be seen as point C and point D in the image at a distance of A meters and B meters. That means point C, which is given here, that is at a distance of A meter from the foot of the tower. Similarly, point D, that is given here at a distance of B units or B meter from the foot of your tower. Now let us read what has been given further. It is saying that in the same straight line, means these two points are in the same straight line and these two are complementary angles. Further, we have to find the height of the tower and that should be A into B units. So let us discuss the same question here. Same हमारे viewers view कर सकते हैं that two triangles are here. The first, even there are three triangles, but we will just discuss about the two right angled triangles. The first one is triangle ABD. अगर हमारे viewers ABD triangle को view करते हैं, तो हम देख सकते हैं that the height जो आपको calculate करनी है, that has been treated as A, as H. So H divided by B equals to tangent 90 degree minus theta. Dear viewers, from where this 90 degree minus theta is entering, आपको given था दोनों angles complementary हैं. So if you have supposed the angle at point C to be theta, then at point D, the angle will be 90 degree minus theta. Because of which you are able to say that H upon B equals to cot theta, due to which this is the first equation obtained here. Similarly, अगर आप second triangle, that means triangle ABC को observe करते हैं, so from that also you can clearly see that the height which is H and H divided by A equals to tangent. The angle here at point C is theta, so it is tangent theta. This is our equation number 2. हमारे viewers पिछले sessions में ये जान चुके हैं कि tangent theta and cot theta are the reciprocals of each other. So simply अगर आप दोनों equations को multiply करते हैं, multiplying the equation number first and equation number second, our viewers are able to say that the left hand side is h upon a into h upon b and the right hand side, that is cot theta into tan theta.
ड्यू टू विच पर यू आर सविता एबल टू मैम मैं गेट। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी, हमारे पास अब कुछ ही टाइम शेष है, तो आप एक बार कंक्लूड कर दें आज का टॉपिक जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया, तो वो आप एक बार उनको कंक्लूड कर दें क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने आज इंक्लूड की हैं। जी बिल्कुल शिवानी जी, तो जैसा कि आपने डिस्कस किया द कंक्लूजन, हमारे पास इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी हाइट, एंड हाइट ऑफ द टावर को प्रूव करना था कि दैट इज इक्वल्स टू ए बी। तो जैसा कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी, एंड इफ एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी, बिकॉज ऑफ दैट आर व्यूअर्स आर एबल टू से दैट एच इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। सिंस देर इज एच स्क्वायर सो राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट ए बी, बट हाइट है, किसी भी चीज की हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कभी नेगेटिव नहीं होता, दैट्स व्हाई वी विल जस्ट कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एच एंड वी आर एबल टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी मीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड, आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स टू टेक देयर प्रॉब्लम्स फ्रॉम अस टाइम टू टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सविता मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, हमें भी समझाया और हमारे बच्चों को भी ज़रूर समझाया होगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू एनसीईआरटी ऑफिशियल चैनल पर बता सकते हैं, साथ ही आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर और हमारे ईमेल आईडी पर जो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। साथ ही दर्शकों आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि अब से कुछ ही देर में हमारा एक और लाइव सेशन आने वाला है 10th क्लास का, जो टॉपिक रहेगा वहां पर सब्जेक्ट का सोशल साइंस, और सोशल साइंस में जो टॉपिक रहने वाला है आज का वो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप सीधा हम पर हमसे संपर्क करें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ई विद्या का चैनल नंबर 10। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।